रूस ने यूक्रेन के विद्रोही प्रांत को आजाद देश के तौर पर मान्यता दे दी है। डोनेस्क और लुहांस्क यूक्रेन के विद्रोही प्रांत हैं जिन्हें रूस ने मान्यता दी है। वहीं इसके खिलाफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया है जिसके तहत उन्होंने रूस के कदम का विरोध किया है। साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाया है कि रूस ने शांति वार्ता को बर्बाद किया है। यूक्रेन ने साफ कर दिया है कि वो अपने क्षेत्र से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा, वो डरने वाला नहीं। तो विश्व युद्ध का जो खतरा है वो अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है रूस के इस कदम के बाद, जब उसने दो विद्रोही इलाके को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है। यूक्रेन पर पुतिन के एक्शन से विश्व युद्ध की आशंका तेज हो गई है। डोनेस्क लुहांस्क को स्वतंत्र देश की मान्यता रूस ने दी है और रूस के ऐलान पर अमेरिका भी एक्शन में है। अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध का ऐलान किया है। यूक्रेन ने यूएनएससी में कहा है कि किसी को कुछ नहीं देंगे। वहीं यूएनएससी में भारत ने कहा है कि कूटनीति से ही समाधान होगा, सैन्य टकराव नहीं होना चाहिए। तो रूस ने यूक्रेन के दो प्रांतों डोनेस्क और लुहांस्क को अलग देश की मान्यता दे दी है। रूस के इस फैसले के बाद दोनों ही प्रांतों में जश्न का माहौल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलगाववादी नेताओं के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं रूस के इस फैसले के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस मामले को लेकर आपात बैठक बुलाई। वहीं रूस के इस फैसले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूक्रेन किसी से डरेगा नहीं और न ही अपने देश का कोई हिस्सा वो किसी को देगा। तो यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के लिए आपको बता दें एडवाइजरी जारी की गई है। कीव के भारतीय दूतावास की एडवाइजरी, सुरक्षा के लिए यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्र ऑनलाइन क्लास की मंजूरी का इंतजार न करें, ऑनलाइन क्लास पर जल्द ही जानकारी दे दी जाएगी। तो यूक्रेन में जो भारतीय छात्र हैं और जो भारतीय लोग वहां पर फंसे हुए हैं, भारत सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि वो वहां पर ज्यादा देर न रुके, तुरंत वो भारत लौटें। और एयर इंडिया की ओर से फ्लाइट्स भी चलाई जा रही हैं, स्पेशल फ्लाइट्स जिनका ऐलान किया गया है। और जो भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, जो और भारतीय प्रोफेशनल्स वहां पर काम कर रहे हैं, उनके लिए ये स्पेशल फ्लाइट्स चलाई जा रही हैं और एक फ्लाइट तो आज ही दिल्ली लैंड करेगी। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ने के बाद अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक बुलाई गई। इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने क्या कहा भारत की ओर से, सुनियो की बात। क्लोजली फॉलोइंग द इवॉल्विंग डेवलपमेंट्स रिलेटिंग टू यूक्रेन इंक्लूडिंग डेवलपमेंट्स अलोंग द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ यूक्रेन एंड द रिलेटेड अनाउंसमेंट बाय द रशियन फेडरेशन, द एस्केलेशन ऑफ टेंशन अलोंग द बॉर्डर ऑफ यूक्रेन विद द रशियन फेडरेशन इज अ मैटर ऑफ डीप कंसर्न। These developments have the potential to undermine peace and security of the region. We call for restraint on all sides. The immediate priority is de-escalation of tensions, taking into account the legitimate security interests of all countries and aimed towards securing long-term peace and stability in the region and beyond. We are convinced that this issue can only be resolved through diplomatic dialogue. तो डिप्लोमेटिक डायलॉग के जरिए इस मामले को सुलझाया जाए और हमारी जो प्राथमिकता है वो है कि ये सैन्य टकराव नहीं होना चाहिए। इस बीच व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनकी ओर से भी बयान जारी किया गया। हम अपनी जमीन पर हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं, हम किसी को कुछ नहीं देंगे, ये कह रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति। ये फरवरी 2022 है, शांति यूक्रेन में, शांति यूरोप में और शांति विश्व में, यही हमारी मंशा है। रूस के विदेश मंत्री ने चार दिन पहले कहा था कि विश्व सुरक्षा और शांति के लिए हमारे लिए यूएन की प्राथमिकता है, कुछ भी करके विश्व शांति स्थापित करना ही एकमात्र उद्देश्य है। हमने रूस को इनवाइट किया और आज के बयान को देखकर कह सकते हैं कि यूक्रेन की गरिमा का उल्लंघन हुआ है। ये रूस पर है कि यूक्रेन के खिलाफ अपनी नीति को फिर से देखे और शांति को स्थापित करने में सहयोग करे। मैं रूस से कहना चाहूंगा कि अपने निर्देश को निरस्त करें और बातचीत की मेज पर आएं।
यूक्रेन की सीमा पर भी ऑक्यूपेशन आर्मी को बढ़ावे का भी विरोध करते हैं। यूनाइटेड नेशंस बीमार पड़ चुका है और क्रेमलिन के फैलाए वायरस से ग्रसित है। क्रेमलिन आजकल वॉर बाय वॉर कॉपी पेस्ट कर रहा है जो हमारे सामने रख रहा है। अब अगला कौन हो सकता है ये यूएन के सभी लोग जानते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.